अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू की किताब शायरे उर्दू निकाल लीजिए। और इस किताब से आप सभी बच्चे सबक नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस खोल लीजिए, पेज नंबर 12। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस सबक को पढ़ा था, रीड किया था और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान भी लिया था और इसकी एक्सरसाइज जो थी वो बाकी थी। तो आज हम इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज करना। एक, सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, सुभाष चंद्र बोस के वालिद थे। कौन थे, क्या थे वो? प्रोफेसर, जज, नेता या फिर सरकारी वकील? सरकारी वकील थे, इसलिए हम लोग इस पर टिक करेंगे। बीए पास करने के बाद उन्होंने - जाकर ICS का इम्तिहान पास किया। कहाँ से पास किया था? अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान या फिर इंग्लैंड? बीए पास करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे तो वो इंग्लैंड चले गए थे, क्योंकि उन्हें ICS का इम्तिहान देना था। जीम, सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या फिर ये सभी उनका नारा था, इसलिए हम लोग ये सभी पर टिक करेंगे। 2, दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब लिखिए। इन सवालों के जो जवाबात होंगे उनके आप लोगों को PDF जाने हैं, तो जब PDF जाएगा तो आप लोग उसे अपनी अपनी उर्दू की कॉपी में कर लीजिएगा इन सवालों को और जो जवाबात जाएंगे। 3, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए। अलिफ, उनके वालिद सरकारी थे। क्या थे? वकील। तो हम लोग यहाँ पे वकील लिखेंगे। बे, मुल्क में आज़ादी के लिए चल रही थी। क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी। जीम, अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें डैश कर दिया। क्या कर दिया था? नज़रबंद कर दिया था ना उनको, तो हम लोग यहाँ पर नज़रबंद लिखेंगे। उन्होंने दिल्ली चलो का दिया, क्या दिया था? ये क्या था दिल्ली चलो नारा? हे, उनका जय हिंद का - बहुत मकबूल हुआ। क्या? नारा बहुत मकबूल हुआ, उनका जय हिंद का नारा बहुत मकबूल हुआ। 4, सही जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अलिफ, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों की सख्त मुखालफत की। ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग सही का टिक करेंगे। बे, जय हिंद का नारा ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ। ये गलत बात है, सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद बहुत ही मकबूल हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस जो है तो वो गलत है। जीम, सुभाष चंद्र बोस जंग में शहीद हो गए। नहीं, उनकी वो कैसे फौत हुए थे? वो जहाज़ के ज़रिए सफ़र कर रहे थे और जहाज़ में कुछ गड़बड़ी हो गई थी या कोई हादसा हो गया और इस वजह से उनका इंतकाल हो गया। 5, दर्ज ज़ेल अल्फाज का मुतज़ाद अल्फाज लिखिए, यानी कि उल्टा। मुतज़ाद के माने होते हैं उल्टा। अगर कोई, जैसे कि आप अगर एक साइड पे अच्छा लिखा है अल्फाज, अगर अच्छा है तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? बुरा हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमें इस सवाल को करना है। देश का क्या होगा? विदेश। तो हम लोग यहाँ पे विदेश लिखेंगे। हमेशा का कभी नहीं होगा। 'वालिद का वालदा, गुलाम का मालिक, शुरू का आखिर और बाहर का अंदर हो जाएगा। 6,
दर्ज ज़ेल अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी कि ये एक अल्फाज है, इसे अपने अपने जुमलों में आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको करते हैं। हुकूमत, हुकूमत से हम लोग क्या अल्फाज बना सकते हैं? चैप्टर से जुड़ा हुआ अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे। कुर्बानियाँ, इसका क्या सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, जुमलों में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। सुभाष चंद्र बोस ने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। आज़ादी, आज़ादी से जुड़ा क्या हम लोग जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? मुल्क में आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। ओके, तो चलिए लिखिए, मुल्क में आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। देखिए जिस तरह एक जैसे कि एक पूरा ये वर्ड है, इसे आप पूरे सेंटेंस में यूज़ करना है कि कहाँ इसका यूज़ होता है। देखिए, हुकूमत को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, कुर्बानियाँ हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और आज़ादी को यहाँ पर यूज़ कर लिया है। वैसे ही हमें साथी और सामान का भी एक जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो साथी का हम लोग क्या जुमला क्या इस्तेमाल करेंगे? हमें अपने साथी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हमें अपने साथी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सामान, सामान से हम लोग क्या बना सकते हैं, जुमलों में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए। ये हो गया आप लोगों का सवाल नंबर 6, भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बच्चों, जो आज मैंने इस वीडियो में एक्सरसाइज करवाई है बुक में, वो आप लोगों को बुक में ही करनी है। बस कॉपी में आप लोगों को क्या करना होगा, जो आप लोगों को PDF जाएगा वो आप लोगों को उर्दू की कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो ये सबक पूरा हो गया। इंशाल्लाह अब आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।